तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में, और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 जो है वो बहुत जल्द चंद्रमा पर लैंड करने वाला है, और इंडिया के साथ साथ रशिया ने भी अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो भेजा था चांद पर लैंड करने के लिए। बट अभी ऐसी खबर आ रही है कि जो रशिया का जो एयरक्राफ्ट था जो साइकिल जा रहा था चांद पे, वो क्रैश हो गया या फिर अपने रास्ते से भटक गया है, तो वो लैंड नहीं कर पाएगा। बट इंडिया का जो है चंद्रयान 3, उसकी एक्सपेक्टेड डेट है 23 अगस्त है, 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद वो चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा, और भारत से पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां पर अभी तक कोई भी देश जा नहीं पाया है। चंद्रयान 2 की भी हमने कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लैंड करने से कुछ देर पहले अनसक्सेसफुल हो गया था। बट ये वाला जो है ये श्योर सक्सेसफुल होगा, और लेकिन अगर रशिया का भी हो जाता तो और भी अच्छा रहता। बट अभी ऐसी खबर है कि रशिया का जो है वो जो मिशन है वो फेल हो सकता है या शायद हो भी चुका है। तो इसी के ऊपर आज मेजर गौरव आ रहे हैं, वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे रिएक्शन शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल पर चैनल का डायलॉग सिंधु को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट। मेजर कौरव आ गया। और खुशखबरी तो ये होगी कि जब दोनों के दोनों मुल्क भारत और रशिया का एक साथ लैंड होगा, मे बी आई एम बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, मे बी आई एम बीइंग टू होपफुल, ताइवान की सरजमीन पे, ताइवान की मिट्टी पे क्या चाइनीज सोल्जर्स ने कदम रखा? अच्छा, ये चाहते हैं जो फासीवादी ताकतें हैं, जो फासिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक टेरर, ये अलकायदा तुम्हारा ओसामा बिन लादेन बच्चा है, इनके सामने दूर पीता, तुमने भी देखा ही नहीं है फासीवाद को। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। लूना 25 जो उड़ा था, और लोग कह रहे थे कि साहब चंद्रयान 3 से एक दिन पहले वो लैंड कर जाएगा। लूना 25 ग्लिच आ गया है, जो प्री ऑर्बिट है, जो प्री ऑर्बिट यानी कि मून में प्री लैंडिंग ऑर्बिट जो होता है कि लैंड करने से पहले मून में आपको चक्कर लगाना पड़ता है, ऑर्बिट लगाना पड़ता है, वो एंटर नहीं कर पाया। कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई है? अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि रशियंस ने इसके बारे में क्या बोला है। दोस्तों, रशियंस ने ये कहा है कि द रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट वॉज ड्यू टू एंटर द ऑर्बिट ऑन सैटरडे, बट ड्यू टू एन इमरजेंसी द मैनूवर वॉज अनसक्सेसफुल। ये रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन रॉस कॉस्मोस ने लिखा है। द टीम इज एनालाइजिंग द सिचुएशन, और उन्होंने फर्दर डिटेल ली थी। बेसिकली क्या था कि साहब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि जो मनूवर था, ये जो प्री लैंडिंग ऑर्बिट है मून का, उसके अंदर नहीं घुस पाया। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं रशियंस को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सारे के सारे हिंदुस्तानी हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है हमारी रशिया के साथ कि हम पहले आप पहले, हमारा भाईचारा। बिल्कुल सर, आपने हमारी ऐसे वक्त पर मदद करी है जब दुनिया में मुँह फेर लिया, सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन अस। और अगर थोड़ी बहुत कॉम्पिटिशन भी, इट्स ए हेल्दी कॉम्पिटिशन, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम ये चाहते हैं कि रशिया का लूना 25 भी मून के लैंड करे। बिल्कुल सही बात है, और खुशखबरी तो ये होगी कि जब दोनों के दोनों मुल्क भारत और रशिया का एक साथ लैंड होगा, मे बी आई एम बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, मे बी आई एम बीइंग टू होपफुल, देयर इज अ सेंस ऑफ यू नो, एक है रशिया के साथ लोगों का भारत में एक रोमांस है, एक अच्छी यादें हैं, तो हो सकता है कि वो बीमारी मुझे भी हो। लेकिन दोस्तों, आई विश द रशियंस ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि लूना 25 भी सक्सेसफुल हो और चंद्रयान सक्सेसफुल हो, लैंड करें सर, तब आएगा स्वागत। तो दोस्तों, बात ये हुई कि विलियम लाई जो वाइस प्रेसिडेंट है ताइवान का, वो अमेरिका हाँ। और उसके बाद कहीं कहीं और चला गया, इससे जो चाइनीज है वो आगे बढ़ा, वो मानते थोड़ा ना इसको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, नो नॉट एट ऑल, वो कहते तुम चाइनीज हो, जैसे हम चीनी भी नहीं चाहूँ चाहूँ, तुम भी चीनी भी नहीं चाहूँ चाहो, वो कहते हैं हम चीनी भी नहीं चाहूँ चाहूँ, है नहीं यार, हम ताइवानीज हैं। किसी दिन और मैं बताऊंगा ताइवान का चक्कर क्या है और चाइना का चक्कर क्या है, वन चाइना पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सफाइस इट टू से दैट
ताइवानीज आर नॉट हैप्पी, ताइवानीज ने बोला यार ये सब बेवकूफी करना बंद करो, चाइना कहता है कि नहीं तुम एक्चुअली चाइना का है, ताइवान कहता है हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, और यही खटपट चल रही है चाइना ताइवान को अपने हिस्सा मानता है ना, इसलिए एक्सरसाइजेस लॉन्च कर दी वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अच्छा चाइनीज कभी ना ये इनको अकल नहीं है चाइनीज, दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, जो कमजोर है बोला उसको दबा दो, अब सारे कमजोर दबते भी नहीं है, ठीक है। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने जनाब अपने 40 एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान के ताइवान स्ट्रेट के जो लाइन है उसको क्रॉस करा और ताइवानी, अच्छा ये डेयर करना होता है, हम तो तुम्हारे एयर स्पेस में घुस गए, तुम में हिम्मत है तुम्हारे लिए, यू अंडरस्टैंड। तो ताइवान ने बोला कि यार बच्चों वाली हरकतें मत करो, भागो यहाँ से हट। तो ताइवान ने उनको बोला कि तुम कटो यहाँ से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बेसिकली क्या है कि ताइवान में जो इलेक्शन है उसमें चाइना इंटरफेयर करना चाह रहा है, और ताइवान को चाइना अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी एक जायदाद पर्सनल ज्यादा समझता है, और चाइना को बहुत बुरा लगता है जब ताइवान में कोई बाहर से आता है या ताइवानीज कुछ बाहर जाते हैं किसी और से मिलते हैं, ये चाइना को पसंद नहीं है। लेकिन इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हुआ क्या, इससे होगा क्या, चाइना ने बोला कि एग्रेसिव मैनूवर्स करें अपने जहाज से, दाएं बाएं अपने पानी के जहाज, ऊपर से ये जहाज, क्या ताइवान की सरजमीन पे ताइवान की मिट्टी पे क्या चाइनीज सोल्जर्स ने कदम रखा, रखो नहीं यार, क्यों धमकी दे रहे हो रोज रोज, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये जितने भी चीनी मिनी चाऊ चाऊ हैं ये धमकी क्यों दे रहे हैं ताइवान को, आपको नहीं समझ में आ रहा अटैक करो, रशिया ने ये करा था ना, रशिया को नहीं समझ में आया रशिया ने अटैक कर दिया, लेकिन चाइना चाइना चंट है, चाइना चंट है, चाइना ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को अच्छी तरीके से छोड़ दिया, चाइना को ये बात पता है, ठीक है। आपको पानी पार करके जमीन से आप ताइवान तो नहीं जाएंगे, जमीन से आप ताइवान नहीं जाएंगे, आपको पानी पार करके, और अगर जब तक आप पानी में हैं यू कैन बी कोट अनकोट इंटरफेयर्ड विद। अब चाइना ये सोच रहा है यार नहीं कैसे ताइवान करे, जिस दिन मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन चाइना को ऐसा लगा कि देयर इज 100% चांस ऑफ विक्ट्री, चाइना विल इन्वेड ताइवान, लेकिन बड़े सारे लोग बैठे हैं, अमरीका बैठा है, वर्ल्ड बैठा है, जिस दिन ताइवान को इन्वेड करेगा चाइना, और एक ना एक दिन जरूर करेगा, जिस दिन करेगा ना उस दिन जैसे बम्बई वाले कहते हैं ना, मुंबई वाले, मुंबई चाइना की वाट लगेगी, और चाइना की वाट लगेगी क्यों दोस्तों, इसलिए लगेगी क्योंकि पूरे जो देश है ना धीरे धीरे दुनिया के, एक तो चाइना की इकोनॉमी आपको एक बार पता होगा कि चाइना में फिर से रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो कलेप्स कर रही हैं, चाइनीज बैंक्स बैंकरप्ट हो रहे हैं चाइना के, बैंक के पास पैसा नहीं तो उसके पास होगा, बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े अरबों अरबों डॉलर जिनके पास एसेट्स थे जिनके पास लिक्विडिटी थी वो बैंक खत्म हो रहे हैं चाइना के, चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेट हो रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है उसमें डिफ्लेशन आता है, वहाँ पे डिमांड ही नहीं है चाइना के अंदर, डिमांड नहीं है चाइना के, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब हिट हो गया, सब हिट हो गया चाइना की इकोनॉमी। ये देखिए ना बात यह है कि ऐसा मुंह बना के रखता है शी जिनपिंग कि बड़ा कोई सीरियस टाइप की चीज़ सुन रहा होगा, कोई लेक्चर वेक्चर सुन रहा होगा, बात यह है कि उसकी बिल्कुल लुप्त हो रखी है, बहुत हालत ख़राब है शी जिनपिंग की, और शी जिनपिंग का ये हाल हो गया है कि अब शी जिनपिंग को ये नहीं पता इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए चलो ताइवान को ऐसे चलो ये आँख दिखा देते हैं, और ताइवान कोई ना कोई मौका कोई ना कोई मौका देता, अगर मौका नहीं देता जैसे पाकिस्तान है वो अपनी आवाम को उसका ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए कश्मीर का राग चेर देता है, वैसे ही जब मेजर गोरवारी सर बता रहे हैं कि चाइना अपने पीपल्स के अपने लोगों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो ताइवान की जो सरजमी है जो उसकी सॉवरेनिटी है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उसको अलग देश मानता ही नहीं है, वो वन चाइना पॉलिसी के तहत काम करते हुए ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए वही बता रहे हैं मेजर गोरवारी सर। और ये ताइवान को धमका रहे हैं कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारी ऐसी भी पैसे तुम्हारा ये, बेसिकली बात ये है कि जिस दिन चाइना ने ताइवान पर अटैक करा हैप्पी दिवाली, ये बात तय है और ये बात होगी, आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये बात होगी, आप मेरी बात का ध्यान रखना, ये होगा, चाइना ज़रूर कोई बेवकूफ़ी करेगा, और जब चाइना बेवकूफ़ी करेगा लंका, वहाँ पे यूएस जापान और साउथ कोरिया ने कंडेम करा है, बोला है कि ये जो यहाँ पे जो चाइना कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वहाँ पे बीच में नॉर्थ कोरिया को बोल देता है, किम जोंग तो पागल है, उसके पास तो और कोई कामकाज है नहीं, वो हर समय कहता है अपने लोगों को, पता क्या वो डरा के रहता है किम जोंग, इतना पागल है वो अपने लोगों को नॉर्थ कोरिया के लोगों को डरा के रहता है सबको, जिसको कहते हैं ना भयभीत, हिंदी में कहते हैं कि भय के माहौल में रहते हैं, वो बीच में सब कुछ
उसका ही है, जमीन उसकी, आसमान उसका, तारे उसके, वो भाई टीवी स्टेशन भी उसका, सब कुछ उसका, तो माई बाप है बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया था, उसका दादा था, उसके बाद बाप हुआ उसका, ये हुआ, ये पहुंच जाता है वहां पे, ये कह देता है सबको कि ऐसा है दोस्तों कि न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो, हम सब मर जाएंगे न्यूक्लियर वॉर, हम सब मर जाएंगे, कोरियन फिर परेशान हो जाते हैं नॉर्थ कोरियन, और अब वो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है, न्यूक्लियर वॉर हो नहीं रहा। ये बेसिकली देखिए इसको कहते हैं ना ब्रिंग्समैनशिप, ब्रिंग्समैनशिप ये होती है आप कितना धक्का दे सकते हैं किसी को, आप कितना धक्का दे सकते हैं किसी को। अच्छा, क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं तो लोग ऐसे बात नहीं करते, आपने कभी इंडिया को या आपने कभी जिसको कहते हैं इसराइल को, फ्रांस को, चाइना को, रशिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, आपने कभी इन मुल्कों को न्यूक्लियर वॉर के बारे में कभी वंस एंड वाइल न्यूक्लियर ऑप्शन का कोई डिस्कशन हो गया तो हो गया, एकेडमिक बात हो गई तो हो गई, या बहुत स्ट्रेस में कुछ बोला किसी के जवाब में तो हो गया, कोई न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करता, सिर्फ दो देश है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं और बिला नागा करते हैं, रोज बात करते हैं, पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान तो उस खुमारी से ही नहीं उभरा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये वहां से जो टमाटर बेचता है सड़क पे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, जो ढाबा चलाता है न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और जिनके पास है पड़े हुए वो चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे, आपने कभी देखा अमेरिका को, जबकि अमेरिका वो मुल्क है जो दो हिरोशिमा नागासाकी को ध्वस्त कर चुका है, आपने कभी इंडिया को देखा बात करते हुए, कभी आपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चाइना को बात करते हुए, रशिया को, सब चुप, जो सीरियस लोग होते हैं ना वो चुप रहते हैं, जो ओछे होते हैं, छिछोरे होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, दो छिछोरे हैं न्यूक्लियर छिछोरे, न्यूक्लियर छिछोरे पाकिस्तान, कोरिया पाकिस्तान, तो ये जो वहाँ का छिछोरा है किम जोंग, वो बीच में उसने बोल दिया कि तैयार हो जाओ। अच्छा, इसको कंडेम करा है जैसे मैंने बताया यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने, और बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत चीज़ है, ये डेंजरस और एग्रेसिव एक्शन है, और मैं एक बात बोल दूँ इसका होने वाला कुछ नहीं है, चाइना वाइना अभी कुछ करेगा नहीं चाइना, क्योंकि चाइना की मार खा रही है, चाइना को पड़ रहे हैं जूते, और ये जूते कौन मार रहा है, देखो मैंने बहुत पहले बात, पता नहीं कब यार मुझे अगर वीडियो मिलता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन कोविड के बाद से चाइना का बुरा हाल शुरू हुआ है, अगर चाइना को ठोकना है ना तो फौज इकोनॉमी ठोकेगी, चाइना को गोली मत मारो, चाइना को गोली मत मारो, चाइना गोली से नहीं मरेगा, ठीक है, मुझे पता है कि रावण की जैसे बोला था ना उसने, बोला नाभि में तीर मारो रावण मर जाएगा, चाइना के मारो चाइना, वो गोली से नहीं मरेगा, वो जानवर गोली से नहीं मरेगा, चाइना के पेट पे लात मारे। अब अमेरिका चाइना के, ये जो चाइना का हलवा बन रहा है, क्यों बन रहा है, चाइना का हलवा बन रहा है, चाइना की चीखें निकल रही है इकोनॉमी की, क्यों निकल रही है, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे अब अपनी कंपनीज को बोल रहा है कि निकलो वहां से, खत्म करो ये ड्रामा, मेड इन चाइना वाला ड्रामा खत्म करो, मैं आपको बता रहा हूँ हर साल ये काम हो जाएगा, और उसी अलग तर्ज पे मोदी जी ने यहाँ पे शुरू कर दिया कुछ साल पहले, अब मोदी जी धक्का दे रहे कि हर चीज़ भारत में, टाइम लगेगा, देखो आज तक जो कंट्री सब कुछ इंपोर्ट कर रही थी, हम सभी कुछ इंपोर्ट करते थे, बनता बहुत कम था, कुछ कुछ चीज़ें बनती, अब ज़्यादा बन रहे, अब ज़्यादा हम खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, इम्पोर्ट, इंडिया की नहीं बनी है तो इम्पोर्टेड है, एक माइंडसेट था ना इंडिया की चीज़ नहीं है ये इम्पोर्टेड है, वैसा देखो मेड इन फलाना मेड इन ढंका, वो मोदी जी ने उस गुब्बारे से हवा निकाल दिया, अब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और खासतौर से फौजी साजो सामान जो आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, उसमें बोल दिया है ज्यादातर 90% इंडिया में बना हुआ, कैसा भी बने तुम इंडिया में, आज से भाई साहब 3 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे 4 साल पहले कि इंडिया में ड्रोन बनेंगे, मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट, आई वाज टॉकिंग टू हिम अ वीक बैक, वो मुझसे कहता है कि यार ड्रोन के स्पेस में ग्लट आ गया इंडिया में, इतनी कंपनीज ड्रोन बना रही है कि आप सोच नहीं सकते, 100 से ऊपर कंपनीज सिर्फ ड्रोन बना रही है, और आज से 4 साल पहले हमने सुना भी नहीं था कि यार इंडिया में चाइनीज ड्रोन जाते थे और हम लोग पेट्रियट की शूटिंग करते थे और चाइना से ड्रोन होता था, और वो यार मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, अब वही ड्रोन्स, आम ड्रोन्स, वो मेड इन इंडिया, ऐसा 4 साल में इकोसिस्टम को चावी दी है कि द होल सिस्टम इज रनिंग ऑन स्टेरॉइड्स, भाग रहे हैं बिल्कुल पागलों की तरह, ये कंपनी ये बना दूंगी, ये कंपनी, सो जब मेरे दोस्त ने मुझे ये बोला कि यार ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्लट, यानी कि जरूरत से ज़्यादा बन गए ड्रोन्स, तो आगे मेरी समझ कि अचानक ही इको सिस्टम कहाँ से खड़ा है, भारत में चाबी दिया हो गया, एक एक चीज में हो रहा है, मोबाइल फोन में आप देखो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड,
पिछले महीने भारत बन गया था दुनिया का दूसरे नंबर का, नंबर वन पे अभी भी चाइना है, नंबर टू पे इंडिया पहुंच गया। आपको लगता है चाइना इससे खुश होगा? चाइना का गला नहीं सूख रहा होगा? जो जीरो थे, जीरो से नंबर टू पे आ गए हैं, जो नंबर टू तक आ सकते नंबर वन पे भी आ सकते हैं। इंडिया हैज बीटन जापान इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। जापान जैसी कंट्री जिसके होंडा, सुजुकी और कितनी सुबारू और कितनी गाड़ियां हैं जो वर्ल्ड फेमस, उसको बीट करके इंडिया निकल गया जापान से आगे। टोयोटा और ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जापानीज कंपनीज है, वही कंपनीज इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्स जो इंडिया में बनती है, इंडिया हैज बीटन जापान। तो ये सब आत्मनिर्भर भारत की जो चाबी है ना, ये चाबी चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, उसको इसलिए ये सब इकोसिस्टम वहाँ पे इंडिया में क्रिएट हो रहा है, और इस इकोसिस्टम की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। चाइना को चोट इसी इकोसिस्टम से, जो पेट पे लात मारी है मोदी जी ने। आपको याद होगा जब मोदी जी गए थे यूएस, सारा मीडिया बात कर रहा था, मैंने रिपब्लिक टीवी पे यही बात बोली और मैंने चाणक्य डाला उसको, भाई नहीं बात बोली कि मोदी जी जो गए हैं ना, ये सब जो बाइडन के साथ खाना वाना, वहाँ पर जो बाइडन है और मोदी जी हैं, ये खाओ ये सूप पियो, मोदी जी का असली मकसद मैं आपको उस समय भी बोला था, आप जाके रिकॉर्ड पे चेक कर लो, मोदी जी का मकसद यही था चीन के पेट में। जब चीन अपना बटुआ खोले और उसमें पैसे ना दिखें तो चीन का गला सूख जाएगा, यही मोदी जी का। चाणक्य कहते थे आई एम अ बिग मोदी फैन, एलोन मस्क जो नाक पे मक्खी नहीं बैठा, दो तीन साल पहले एलोन मस्क की स्टेटमेंट है, मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ मुझे इम्पोर्ट करने की इजाजत दें, चाइना में बनेगा। और वो कह रहा है मोदी जी बोला कब आ रहे हैं आप इंडिया, कहता है एज फास्ट एज इट इज ह्यूमन, इंसान के लिए जितना हो सकता है उतनी जल्दी है, हो सकता है जितना जल्दी कोई इंसान कर सकता है। ये जो है दोस्तों कि पाकिस्तान द डच गवर्नमेंट हैज बीन डन टू नेदरलैंड में फिर से एडविन कुरान द डच ब्रांड ऑफ damage to copy the Quran, ASP was minimalist, he was by two other people, achha. Pegida ek far right group hai, he was accompanied, do aur log the, to Edwin Wagensfeld, Edwin Wagensfeld us bande ka naam hai, far right ka ek ek banda hai jo do aur logon ke saath tha, usne Quran Sharif ke upar pair wear maar ke jala aur kiya, usne dekhi na, आप अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स आप रेगुलरली देखेंगे ना, आपको एक बात पता चलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ और ये मैं लगातार कहता रहूँगा, ये चाह क्या रहा है, ये क्यों कुरान शरीफ पढ़ने जा रहा है, आपको बता रहा हूँ इसका, इसके पीछे कारण है, यहाँ पे जो फांसीवादी है ना पार्टियाँ, वो चाहती है क्योंकि यूरोप में कुरान फाड़ना गलत, बाइबल फाड़ना गलत नहीं माना जाता, तोरा जो यहूदियों की किताब है उसको, अच्छा तो वो कहते हैं यार हमारे यहाँ फ्रीडम है, आपको जो फाड़ना है, अच्छा जिसको गाली देनी है, वो कहते हैं कि आपको बाइबल फाड़नी है, हमें सही आपको बाइबल फाड़ दिया ना, कैरी ऑन बाइबल फाड़ो, वो ऐसे पागल नहीं यूरोपियन, तो यूरोपियन कह रहे हैं कि आज़ादी अच्छा होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत में कि आज़ादी है लेकिन ये नहीं कर सकते, किसी का दिल जिस किसी का दिल खराब नहीं कर सकता, अपनी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी और की आज़ादी पे किसी के जो मजहब खराब करो, उनके बारे में अगर आप कहेंगे तो लोग बड़े अच्छे करते हैं। यूरोप कहता है कि उनको कोई भी मतलब इसमें से हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई की बात नहीं है, कोई भी हो उनको अपसेट करना आपका राइट है, मैं आपका दिल दुखाऊँ ये मेरा हक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं आई हैव द राइट टू ऑफेंड, आप ऑफेंड हो रहे हैं ना, मेरा हक है मैं आपको ऑफेंड करूंगा, 10 बार ऑफेंड करूंगा, अच्छा उसने ये क्या चाहे जिसने कुरान, ये चाहते हैं जो फासीवादी ताकतें हैं, जो फासिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि इस्लामिक टेरर, ये चाहते हैं वहाँ पे टेरर, जब टेरर अटैक होगा तो वहाँ पे समाज पोलराइज होगा, जब समाज पोलराइज होगा तो फासीवादी ताकत अच्छा यही ट्रीटी ऑफ वर्साय में उस समय में टेररिज्म तो वैसे होती नहीं थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात, अच्छा मैं 30s की बात कर रहा हूँ, 1930s की जर्मनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जर्मनी साइन करता है ट्रीटी ऑफ वर्साय, और ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद यही होता है, अगर ट्रीटी ऑफ वर्साय नहीं होती एडोल्फ हिटलर पैदा नहीं होता, यानी ऐसे पैदा नहीं होता मतलब कि वो एडोल्फ हिटलर चांसलर नहीं बनता जर्मनी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साय ने इतना परेशान कर दिया ट्रीटी ऑफ वर्साय ने, और जर्मन्स एक बड़े प्राउड लोग हैं, बड़ी गैरतमंद कौम है,
उनको बड़ा बुरा लगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हिटलर ने बोला बस आपको चमका के रखूंगा, सब जर्मनी के सामने सर झुकाएंगे। उन्होंने बोला कैरी ऑन। अच्छा, उसने बोला कैरी ऑन, चढ़ गया ऊपर ट्रीटी ओवर साए। भाई साहब 3 दिन के अंदर पोलैंड को निपटा दिया उसने। तो ये पुरानी कहानी है, मैं आपको इस दिन सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वही ताकतें जो एडोल्फ हिटलर को खुदा मानती हैं, जो मुसोलिनी को खुदा मानती हैं, वही ताकतें। उनमें से कुछ लोग तो हैं जो जला रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो फासिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी कुरान जला रहा है वो फासिस्ट है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। पर मैं कह रहा हूँ कि इनको एंड में फ़ायदा फासिस्ट को है। और आप जो भी कहते हैं ना, जो भी है, मैंने कई जो राइट विंग इस्लामिस्ट हैं पाकिस्तान में, मेरी उनसे एक दो से बात हुई, उन्होंने बोला मेजर साहब इंशाल्लाह देखना किसी दिन अलकायदा अटैक करेंगे, किसी दिन इस्लामिक स्टेट अटैक करेगा, तब इन यूरोपियंस को पता मिलेगा। तो मैंने उनको यही बात बताई, ठीक है, जो मेरे पाकिस्तानी जान पहचान वाले उनसे मेरी बात हुई कल परसों से। मैंने बोला भाई तुम्हारे अलकायदा वाले ना इन फासिस्ट के सामने, ये जो हिटलर की जो औलादे हैं, ये सपोले हैं हिटलर के यूरोप में, तुम्हारा अलकायदा, तुम्हारा उसामा बिन लादेन बच्चा इनके सामने भूल पीता, तुमने भी देखा ही नहीं। तुम्हारे दो दो पौड़ी के अलकायदा, दो दो पौड़ी स्टेट वाले, जिस दिन फासिस्ट आ गए ना पावर में यूरोप में, ऐसा नाच नचाएंगे, ऐसा नाच नचाएंगे कि ओसामा बिन लादेन पता नहीं समुंदर में जहाँ पे अमेरिकन ने फेंका था ना, वापस जिंदा हो गया इनके सामने नाचेंगे। तुमने तो देखे नहीं फासिस्ट कैसे होते, क्या बात कर रहे हैं आप मेजर साहब। हाँ मेजर साहब ठीक बात कर रहे हैं, तुम्हें नहीं अकल। ये जिस दिन ये फासीवादी, ये फासिस्ट लोग हैं, द डे दे कम टू पावर इन यूरोप, दैट डे वी लूज। अलकायदा ठीक है, अलकायदा आपको लगेगा तो बड़े मासूम बच्चे लगे, अभी आपने देखा ही नहीं है फासिस्ट को। ये जिस दिन पावर में आ गया ना, ये तो नस्लें साफ करने वाला काम कर, नस्लें साफ करने वाला, कितने 10 लाख लोग यहूदियों को निपटाया था इन्होंने, फासिस्ट था। और ये फ्रांस में हुआ था, ये फ्रांस में भी बना हुआ, मैं आपको आ जाता था, क्योंकि जितने भी थे इमिग्रेंट्स थे ज़्यादातर सूडान के और मोरक्को के, यहाँ के तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ से लोग आए थे, इनको लग रहा है कि 5-10% हो गए, तुम थोड़ी सी गुंडा बन गए। उनको पता ही नहीं है कि किस जानवर को, किस जिन को ये बोतल से निकाल, और ये फ्रांस में जिन निकाल चुके हैं। अब आप देखना अगले, अच्छा जो जिन निकलेगा ना बोतल से, उस सबको खा जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन ही नहीं है, ये मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें सर ने बात शुरू की थी चंद्रयान 3 और लूना 25 की, जो रशिया का रशिया ने अपना मिशन भेजा था चांद पे, जो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो फेल हो सकता है। और दूसरा है कि जो सर ने बात खत्म की, वो जो फासीवादी ताकतों के बारे में बात कर रहे थे, जो सीधा सीधा मतलब नस्लें खत्म करने की सोच रखते हैं, तो ऐसा ही हुआ था जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया था। उससे पहले हिटलर जो ये उससे यहूदी थे कि हम कितने 10-12 लाख यहूदियों को तो हिटलर ने यूं ही मरवा दिया था इसी चक्कर में। तो और वही चीज अभी होने वाली है, जैसे ये फ्रांस में होने वाला है जैसे सर बता रहे थे, और ये अपना पोलैंड में होने वाला है, जो वहां पे कुरान बार बार जलाई जा रही है और कुरान की बेइज्जती भी की जा रही है। तो क्योंकि इससे होगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासकर पाकिस्तान हो गया, अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया, तो इनमें से कोई ना कोई वहां पर इस चीज को अटैक जरूर करेगा कि आप कुरान क्यों चला रहे हैं। और जब वो अटैक करेगा तो उससे जो वहां की जो फासीवादी ताकतें थी, जो अभी बिल्कुल वहां पर दिखाई नहीं देती हैं बट अभी भी हैं वहां पर, जैसा कि गौरव आर्य सर ने बताया, तो दोबारा से वो अगर एक बार पावर में आ गए यूरोप में, तो फिर बहुत जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने किया था, बिल्कुल वैसा ही दोबारा से यूरोप में हो सकता है। क्योंकि जो अलकायदा, जैसे सर कह रहे थे कि अलकायदा को तो कुछ समझते नहीं है, वो अगर फांसीवादी ताकतें दोबारा पावर में आ गई तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।